hi there, my name is muskan and you are watching knowledge Score. so today in this video, we are going to see chapter number 12 of uh, literature from himachal, which is a poem, uh, this city. so guys, before i will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. so everyone, let us start the poem number 11, hana, joki hamara hai literature from himachal, the city, sudesh. से निशांत जी ने इट वॉज रिटर्न ट्रांसलेट ही की होगी उन्होंने भी जिस तरह से हमने पिछली दो पॉइम देखी दे आर बींगल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वर्जन सो दिटी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट पोएम सॉरी इन इट सेल्फ इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं दूँगी एज आ है गिवन आ ब्रीफ आइडिया बिफोर दिस पोइम जो दो पोएम थी तो इसको हम जो है रीड करते करते ही समझेंगे इट्स अ वेरी गुड पोएम आप लोग आई होप कि अब इसको अच्छा रिलेट कर पाएंगे दिस सिटी इज एज़ डियर टू मी टू हिम सॉरी एज हिज फील्ड जो सिटी है शहर है वो उसको प्रिय है टू हिम एज हिज फील्ड जैसे कि उसके खेत उसको अच्छे लगते हैं वैसे ही सिटी लगती है अब क्यों लगती है सिटी अच्छी देखिए इट इज़ द वन दैट हैज़ नॉट डाई हिज होप टू रिटर्न होम अब जो ये सिटी है ना वो उसकी जो आशा है घर लौटने की वो उसको ख़त्म होने नहीं देती सिटी क्या है सिटी इज़ आ अपॉर्चुनिटी गिवर सिटी इज़ अ यू नो प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी राइट तो जब ये पॉइम लिखी थी तो उस टाइम सिटी इज़ द वन वेर यू गॉट द अपॉर्चुनिटी उस टाइम फ्री लांसिंग जैसा तो कोई सिस्टम था नहीं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए इसको कि जो सिटी है दैट्स गिव एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन एंड टू गेट आर्न मनी एंड सो दैट ही कैन रिटर्न टू हीज होम विद होप कि नहीं भाई मैं शहर गया था मैंने कुछ वहाँ पर कमाया फिर अपने घर लाया इस तरह की ये पॉइंट है It is the one that give him refuge and he has lived through. यही वो सिटी है जिसने शहर है जिसने उसको जो है वो स्थान uh, स्थान दिया रहने के लिए राइट एंड जहाँ पे वो रहा द वर्स्ट ऑफ द डेज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिटी वर्स्ट डेज भी आए उसके लाइफ में बट सिटी हैज़ गिवन अ स्ट्रेंथ दिस सिटी इज़ अ फ्रेंड जो सिटी है शहर है वो दोस्त है फ्रॉम हिज वर्स्ट डेज उसके जो है संघर्षों के दिनों से राइट right? उसके जो दुख भरी जीवन दिन थे तब से इट हैज़ टू हिम इन एडवर्सिटी जब भी कोई संघर्ष का वक्त आया या फिर कोई डिफिकल्टी आई तो सिटी वॉज़ विद हिम ही हैज़ सोप्ड हिज पेन ऑन हिज़ शोल्डर अब सिटी ने क्या किया उसका जो जितना भी पेन था अपने शोल्डर पर ले लिया इट हैज़ पैट हिज़ बैक इन द बैड टाइम्स सिटी ने क्या किया है उसकी पीठ को थपथपाया है बुरे दिनों में एंड गिव हिम करेज टू फाइट कैलमिटीज़ जो भी उसकी जो डिफ़िकल्टीज आई हैं उनको आ, उनसे फाइट करने के लिए करेज दिया सिटी ने उसकी पीठ में थपथपा के राइट right? तो हम भी तो देखो जब हमारा कोई दोस्त है या भाई है या बहन है जब वो लोग ऐसे डिस्करेज हो जाते हैं तो हम भी तो बोलते हैं कमान कमान और उसकी पीठ में ऐसे थपके देते हैं तो उसी तरह से ये भी बता रहा है कि सिटी गिव आम अकेज इन डेज ऑफ ड्राउट इट गिव हिम अ ड्राउट टू ड्रिंक इन डेज ऑफ फ्लड इट गिव हिम प्लेस एनफ टू स्टैंड इट प्लेस्ड अ फिस्ट फुल ऑफ राइस ऑन हिज एम्प्टी प्लेट इट इज़ वन दैट गिव द कोल्ड चूल्ला सेडार ऑफ होव टू लिव अब क्या कहता है कि अब ड्रॉट के डेज में जब उसके पास कुछ भी नहीं होता था इट गिव हेम ड्रिंक है ना अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी दिया या फिर आप ये भी कह सकते हो जब उसके पास कुछ भी नहीं था तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है उसको व्यक्ति को दी उसने इन अ डेज़ ऑफ फ्लड उसको जो है इन अ प्लेस दिया कि वो जो है रहे सिटी में राइट उसको जगह दी रहने के लिए ताकि वो जो है आ, सेफ रह सके। अब जब उसकी प्लेट में कुछ भी नहीं था तो चावल दे दिए उसकी प्लेट में राइट जब ठंड थी काफ़ी तो चुल्ला दे दिया मतलब कि फायर जो प्लेस होता है वो दे दिया असिडार ऑफ होप टू लिव जो है वो आशा भी दी जीव जीने के लिए तो ये पोइम बेसिकली क्या है देर इज़ अ वन पर्सन है ना इस तरह का इमेजिन किया गया ही इज़ इन द सिटी एंड सिटी गिव हिम अ होप इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि सिटी गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी सो दैट ही कैन कम बैक टू हिज होम विद होप कि आई हैड अर्न सम थिंग ताकि वो अपने घर में दे सके इस तरह की ये पोएम है सो द सिटी इज़ एज़ डियर टू हिम एज़ हिज फील्ड इसीलिए जो सिटी है वो आ, इतनी ही प्रिय है जितना कि अपना गाँव जितना प्यारा किसी को अपना गाँव लगता है उतना ही प्यारा उसको शहर भी लगता है क्यों क्योंकि वो उसको अपॉर्चुनिटी देता है राइट right? जैसे हमारे खेत हैं वो हमें अनाज देते हैं फल देते हैं है, है ना उसी तरह से इन इट ही हैज़ सोन हीज़ होप टू रिटर्न होम अब सिटी में क्या है उसने एक आशा जगाई है कि वो अपने घर वापिस आएगा कैसे आएगा विद आ, 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 गुड एंड मनी है ना सो दैट ही कैन गिव एट हिज होम सो इस तरह की ये पॉइं है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गई हो एंड दिस इज़ अ वेरी इजी पॉइंट सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस पॉइंट सो Please do like share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon so that's all from my side bye and take care